वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की। रात को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर की हो, जो कि मैं कल रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो आप बता दीजिए। तो इस वीडियो के पहले पहले एक ही रिक्वेस्ट मुझे आई है जो कि स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर की थी, इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अपलोड करने का फ़ैसला किया है। तो अब स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, तो जो भी बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, जो भी नॉइस आ रही है, तो उसको प्लीज़ जो है इग्नोर करके अपने कंटेंट की तरफ ध्यान देना, और क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। इस वजह से ये चैप्टर टोटल 7 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 1 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 4 कंसेप्ट में से कोई एक भी कंसेप्ट पर आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम 4 कंसेप्ट्स को एक के बाद एक स्टडी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ, जो कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा है। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड होती है। और हमें चूज़ कैसे करना पड़ता है कि स्टेप डेविएशन मेथड अपना या एज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट मेथड? तो उसका तरीका ये है कि अगर डेटा सफिशेंटली स्मॉल दिया जाए, हमें छोटा डेटा दिया जाए, छोटी वैल्यूज़ दी जाए, तो डायरेक्ट मेथड से सिंपली सॉल्व हो जाता है, और वैल्यूज़ जब बड़ी दी जाती है तो हमें एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड अपनानी पड़ती है। अब एग्ज़ाम में अगर आता है कि पर्टिकुलरली आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो आप स्टेप डेविएशन से ही करेंगे। एज्यूम्ड मीन से करना है, एज्यूम्ड मीन से ही करेंगे। डायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और अगर एग्ज़ाम में दिया नहीं जाता है तो हम कोई सी भी मेथड, अप्रोप्रिएट मेथड अपना सकते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए, इसमें हमें मीन निकालना है। तो इसमें मैं आपको 3 मेथड से मीन निकालना सिखाऊंगा। 3 मेथड एक ही क्वेश्चन में हम कवर करेंगे, इससे हमारा वक्त भी बचेगा और 3 मेथड आपको याद हो जाएगी। तो 3 मेथड में क्या है, सिर्फ फार्मूले आपको याद करना है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला ये है, और स्टेप डेविएशन का फार्मूला ये है। बहुत सिंपल फार्मूले, आप याद कर सकते हैं, और अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीसरा कॉलम हमें जो बनाना होता है, थर्ड कॉलम जो बनाना होता है, पहले 2 कॉलम्स तो हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं, थर्ड कॉलम हमें मिड पॉइंट का बनाना होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैं थर्ड कॉलम जो है मिड पॉइंट का बना रहा हूँ, तो मैं थर्ड कॉलम मिड पॉइंट का बना रहा हूँ, और मिड पॉइंट को xi से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहली टेबल जो दी हुई है उसके बीच का पॉइंट निकालना पड़ता है। जैसे 100 और 120, 100 और 120 में 110 एक मिड पॉइंट होता है, तो इस टाइप से ये 110 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 130, 150 और 170, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 190। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मिड पॉइंट क्या है, अगर कन्फ्यूज़न है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 100 को 120 से प्लस करेंगे तो 220 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो 110 आ जाएगा। और इसी टाइप से जो है 20 बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 20 का गैप है सबके बीच में, इस टाइप से। अब हम अगर स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हमें करना है, तो हमें जो है DI की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो मैं जो है रेड पेन से निकाल रहा हूँ, आपको ध्यान देना होगा। तो रेड पेन से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आप सबको जो है डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ सबके बीच में। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ DI। अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो ये टेबल भी बनानी होगी आपको। तो DI का फार्मूला होता है xi - a। अब a क्या है, ये a है एक एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है हमें एज्यूम करना होता है कि क्या मीन है, तो इनमें से ही एज्यूम करेंगे। तो जनरली बीच का जो है हमें एज्यूम करना होता है, यहाँ पर 150 है, तो a की वैल्यू 150 हम मानेंगे। ऊपर नीचे की भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली बीच की वैल्यू को हम मानते हैं। तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, तो DI की वैल्यू क्या आ जाएगी, xi में से a को माइनस करते जाइए। xi है 110, और 150 को उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -40। इसी तरीके से 130 में से 150 को माइनस करेंगे तो -20 आएगा। 150 में से ही 150 को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 40। अब मैं अगला जो कॉलम बना रहा हूँ वो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए बना रहा हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो मैं जो है ग्रीन चौक से बना रहा हूँ, ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, तो ताकि आप डिफरेंट क्रिएट कर पाए। अब हम मैं यहाँ पर जो है UI की वैल्यू निकाल रहा हूँ। UI की वैल्यू निकलेगी xi - a/h। अब a तो हमें पता लग गया है, h क्या है, तो h जो होता है बच्चों
इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है और कितने नंबर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों क्लास इंटरवल के बीच में क्लास इंटरवल कितना है इनका। तो हम अगर देखें तो 20-20 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, xi में से a को माइनस करते हुए h से डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 40 आएगा, इसको माइनस किया था तो 40 आएगा। अब हमें इसको जो है डिवाइड करना है h से, मतलब 20 से। तो माइनस 40 अपॉन में 20 दैट इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस 2 आएगी यहाँ पर, माइनस 1 आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी 2, इस टाइप से, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों कॉलम। अब हमें क्या करना है, अगर हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो अभी हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई एक्स आई की ज़रूरत है। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाता हूँ मैं डायरेक्ट मेथड के लिए। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ब्लैक पेन से कर रहा हूँ मैं, एफ आई एक्स आई का कॉलम बना रहा हूँ। तो अगर आप देखें एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाएंगे तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132 और उसमें 0 लगा देंगे तो आ जाएगा 1320। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली जल्दी जल्दी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल ली है सारी, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हुए ये वैल्यू आ गई है। अब अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें एफ आई डी आई की वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो एफ आई डी आई की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ अगले उसमें, रेड पेन से निकालते हैं क्योंकि हमने यहाँ भी रेड पेन से निकाली थी डी आई की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ आई डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 को 4 से, 12 4 सा 48, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर 480, 14 2 सा 28 माइनस 280, यहाँ 8 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 सा 12 120 और यहाँ पर हो जाएगा 10 4 सा 40 400, ठीक है। अब मैं एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जाए। तो एफ आई यू आई की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ ग्रीन पेन से, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू एफ आई यू आई की, एफ आई यू आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई करना है तो 12 टू ज़ा 24 माइनस 24, 14 वन ज़ा 14 माइनस 14, 8 ज़ीरो ज़ा 0 माइनस 0, 6 वन ज़ा 6 और 10 टू ज़ा 20 माइनस 20, इस टाइप से जो है वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये हमारी पूरी टेबल्स बन चुकी है। अब हमें क्या करना है कि समेशन निकाल लेना है, समेशन मतलब सम निकाल लेना है, और सम हम निकालेंगे इन इन चीज़ों का। सबसे पहले तो समेशन निकालेंगे हम एफ आई का, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी समेशन एफ आई एक्स आई की, आप फार्मूले में देख सकते हैं एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद में समेशन एफ आई डी आई की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद में समेशन एफ आई यू आई की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैं सबकी वैल्यूज़ निकाल देता हूँ प्लस करके, सबमिशन यानी प्लस करना है हमें। सबमिशन एफ आई एक्स आई आ रहा है 7260। अब हम निकाल लेते हैं सबमिशन एफ आई डी आई। तो यहाँ पर माइनस और प्लस की वैल्यूज़ मैंने अलग इसलिए लिखी है क्योंकि हमें प्लस तो करना है, ऐड करना है, लेकिन माइनस प्लस के रूल हम नहीं भूल जाएं कहीं। तो इसलिए माइनस वाले दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ लिख दिया है मैंने और प्लस वालों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा तो माइनस का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 240 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे सबमिशन एफ आई यू आई को, तो सबमिशन एफ आई यू आई आ जाएगा आपका माइनस 38 प्लस 26। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। चलिए अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं फार्मूला में। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फार्मूले से हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हम जो है अलग अलग फार्मूले से अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से मैं करता हूं, तो डायरेक्ट मेथड में बोला जाता है हमें सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। तो अगर वैल्यूज़ रखें तो सबमिशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 7260 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 50। अब 50 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 2 बच रहे हैं, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर बच जाएंगे 2, 5 5 ज़ा 25.2, इस टाइप से 145.2 जो है वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसको लिखेंगे रुपीज़ 145
1.2 रुपीज़ इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो रुपीज़ में दिए हुए हैं डेली वेजेस, तो जो भी यूनिट दी जाती है आखिरी में हमें वो यूनिट लगानी पड़ती है। अब हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड हमें क्या बोलता है कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई। अब अगर हम देखें तो एज्यूम्ड मीन जो है, जो कि हमने माना था वो है 150, तो 150 हो जाएगा प्लस सबमिशन एफ आई डी आई की वैल्यू अगर हम देखें तो -240 हो रही है, और डिवाइडेड बाय अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हमें माइनस करना है यहाँ पर 150 में से 4.8 को, तो हम माइनस करेंगे तो 145.2 आएगा रुपीज़, जो कि ये आंसर से बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सेम आता है। लास्ट मेथड से करते हैं जो कि स्टेप डेविएशन मेथड है, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मैं यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी ए वैल्यू पहले रखनी पड़ेगी हमें, तो ए की वैल्यू है 150 प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर 20 है, जो कि दोनों के बीच का क्लास इंटरवल है। अगर अभी आप कन्फ्यूज़ हैं तो क्लास इंटरवल यानी दोनों के बीच की दूरी, मतलब 20-20 का जो है गैप है दोनों में, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। एफ आई यू आई की वैल्यू अगर हम देखें तो -12 आ रही है, और डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और अगर हम कैंसिल करें तो 5 1 5 5 2 10.4 हो जाएगा यहाँ पर, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 को 2.4 से तो 4.8 आएगा, और चूँकि ये माइनस का है इसलिए माइनस का आ जाएगा, और 150 में से जब 4.8 को माइनस करेंगे तो 145.2 आ जाएगा रुपीज़ में। तो 145.2 वैल्यू आ रही है तीनों मेथड से। एक बार मैं आपको और रिवाइंड करवा देता हूँ, ये जो ब्राउनिश पेन से बने हुए हैं ये तो आपको बनाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद अगर आपको जो है डायरेक्ट मेथड से करना है तो ये ब्लैक पेन से बना हुआ यही कॉलम बनाना पड़ेगा, और अगर आपको जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो ये रेड पेन वाले कॉलम बनाने पड़ेंगे, और अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो ये ग्रीन वाले कॉलम और बनाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तीनों मेथड आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट के लिए मीडियन है अगला कंसेप्ट, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगले कंसेप्ट के लिए जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट क्वेश्चन है, उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, वो क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है बच्चों, ये जो है कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू नहीं है का मतलब 126 पर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर 127 से शुरू हो रहा है, बल्कि 126 से शुरू होता है जनरली अगर हम क्वेश्चन देखें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यू बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है कि हमें इसकी जो है लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट में से हाफ को माइनस कर देना है 0.5 को, और अपर लिमिट में हाफ को बढ़ा देना है। किस टाइप से आप देखेंगे, जैसे अगर अपन 118 में से आधे को माइनस करेंगे तो 117 बचेंगे, ठीक है, 117.5 बचेंगे, और यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो बच जाएगा 126.5, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सारी फ्रीक्वेंसीज को इस टाइप से कर देंगे, तो मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इस टाइप से हम जो है कंटिन्यू क्लास इंटरवल में हमने इसको चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है क्लास इंटरवल CI और कंटिन्यूस, इस टाइप से जो है हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हमें करना क्या होता है, जनरली तो आपको कंटिन्यू क्लास इंटरवल में दिया जाएगा, ये दो कॉलम्स दिए जाएंगे, तीसरा कॉलम हमें बनाना होगा CF का कॉलम बनाना होगा। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस टाइप से बनाएंगे हम, ये सबसे पहले इस ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है FI, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसमें अगला ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 यहाँ पर, तो इस टाइप से CF का कॉलम बन जाएगा। CF का जो लास्ट टर्म होगी हमारी, लास्ट नंबर जो होगा वो हमारा N होगा, तो N की वैल्यू यहाँ पर 40 आ जाएगी, और इन सबको प्लस करेंगे तो भी 40 आएगा, तो N की वैल्यू 40 आ जाएगी। फार्मूले के हिसाब से हमें N/2 चाहिए, तो N/2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, मतलब 40/2 यानी 20 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से हमारी L, CF, F और H की वैल्यू निकलेगी। तो किस टाइप से निकलेगी, N/2 तो हमारा निकल गया है। अब हमारा N/2 जो आया है बच्चों,
एन बाई टू जैसे 20 आया है, तो हमें यहाँ पर उसे तलाश करना है सी एफ वाले कॉलम में। तो सी एफ वाले कॉलम में अगर हम देखें तो एन बाई टू यानी 20 तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 20 से लार्ज नंबर हमें देखना होगा जो कि 29 है, और 20 लाइन वाली जो रो है पूरी उसको हम एक अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा से मतलब L की वैल्यू और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं वो यहीं से मिलेगी। तो अगर हम देखें L की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 144.5। उसके बाद हमें N अपॉन 2 की वैल्यूज़ तो मिल चुकी है। उसके बाद CF की वैल्यू क्या है बच्चों, इसी के ऊपर वाली वैल्यू होती है CF की। CF मतलब प्रिसीडिंग क्लास इंटरवल, तो जो भी क्लास इंटरवल आया है उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हमें देखना होती है। तो CF की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 17। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर F की वैल्यू, तो F की वैल्यू यहाँ से हमें 12 मिलेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है उसी के सीधी लाइन में 29 के पास में ही, तो हमें जो है F की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 12। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करके फार्मूले में हाँ H की वैल्यू भी हमें चाहिए अब यहाँ पर। तो H मतलब क्लास इंटरवल, क्लास साइज़ कितना है अगर हम देखें यहाँ पर तो 8 का गैप है, तो इसलिए जो है क्लास इंटरवल या क्लास साइज़ या H की वैल्यू जो है 8 हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है, बस हमें फार्मूले में पुट करके जो है मीडियन की वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्टली मैं फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर फार्मूला है अपना मीडियन का। L की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 144.5, N बाई टू की वैल्यू है 20, माइनस CF की वैल्यू है 17, डिवाइडेड बाय F की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू 8 है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, बल्कि इसको सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर 144.5 प्लस 3 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 3 ones are 3, 3 fours are 12, 4 ones are 4, 4 twos are 8। अब अगर हम प्लस करेंगे 144.5 में 2 को तो 146.5 आ जाएगा, जो कि हमारा मीडियन निकल चुका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मीडियन निकल जाता है। मीन ही थोड़ा जो है कैलकुलेटिव होता है, बाकी मीडियन और मॉड ये दोनों के दोनों कैलकुलेटिव भी नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं अगर फार्मूले हमें पता है और किस टाइप से हमें निकालना है वो अगर मालूम है। तो एक बार और रिवाइंड कर देता हूँ, सबसे पहले हमने CF निकाला है, CF को सबको प्लस करके CF निकला है, और CF के बाद जो है N की वैल्यू निकली है, N बाई 2 निकाला है। तो जो भी हमारा N बाई 2 आएगा उससे लार्ज नंबर देखना होगा जो कि 29 है। 29 से हमें जो है एक लाइन खींचनी होगी, वहाँ से हमें L की वैल्यू निकलेगी, F की वैल्यू निकलेगी, CF की वैल्यू उसके ऊपर निकलेगी, और उसके अलावा जो है H की वैल्यू यानी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकलेगा। तो ये CF की वैल्यू आ चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, मोड। मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई कॉलम बनाना ही नहीं पड़ता है, जो भी क्वेश्चन में कॉलम दिया है उसी से हमें जो है डील करना होती है। तो मोड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी वाली जो कॉलम दिया हुआ है इसमें जो है मैक्सिमम नंबर क्या है वो देखना होता है। तो हमें यहाँ पर 10 नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस 10 को बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास में हमें जो वैल्यू मिलती है वो जो है F1 की वैल्यू मिलती है, F1 इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो F1, और ऊपर जो है उसके ऊपर ही F0 की वैल्यू मिलती है, और उसके नीचे जो है F2 की वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, F1 की वैल्यू निकालना है, उसके ऊपर वाली वैल्यू F0 की हो जाएगी और F2 की हो जाएगी। F1 क्या होगा, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हमारा F1 होगा। उसके बाद में जो है F1 वाले जो रो है उसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर लिमिट है वो L की वैल्यू हो जाएगी, मतलब L की वैल्यू 30 हो जाएगी। उसके अलावा हमें H चाहिए, तो H है हमारे पास में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जो कि 5-5 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर सब जगह हम डिफरेंस देखेंगे तो 5-5 का आएगा। तो इस टाइप से सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है, और फार्मूले में जब बस हमें यहाँ पर पुट ही करना है। तो मॉड की वैल्यू किस टाइप से निकलेगी, तो मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो L जो है 30 है, F1 है अपने पास में 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 × 10 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 9 1, ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3, तो 3 बाई 8 हो जाएगा ये,
यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है, सॉरी ये प्लस है यहाँ पर सब जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8, 8 और 1 का LCM आ जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ मैं, दोनों का LCM आ जाएगा 8, तो 1 के टेबल में 8, 8 बार में आता है तो 30 × 8, प्लस 3 के टेबल में 1 बार आता है, 8 के टेबल में 8 1 बार आता है तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 240 प्लस 3/8, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 243/8 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 4, 8 × 5 = 40, तो 30.35 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगी मॉड की 30.35, ये वैल्यू आ जाएगी मॉड की वैल्यू 30.35। उम्मीद करता हूँ कि मॉड का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब लास्ट कंसेप्ट है हमारा ओजाइव कर्व, ओजाइव कर्व बोलो या ओगिव कर्व बोलो, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन पे है, तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें मैं आपको दोनों टाइप के ओजाइव कर्व सिखा दूंगा, सबसे पहले जो है मोर देन टाइप और दूसरा लेस देन टाइप। मोर देन टाइप और लेस देन टाइप ओजाइव कर्व कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर सीख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दो कॉलम्स दिए जाएंगे, तीसरा मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पर क्लास इंटरवल बना लें। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मोर देन 5 लैक्स, 30 शॉप्स, 30 दुकानों का 5 लाख रुपये से ज़्यादा जो है इनकम है पर ईयर की। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहले मैं क्लास इंटरवल बना लेता हूँ, 5 से 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और 35 से लेकर 40 तक आ जाएगा, इसी टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ शॉप्स दी हुई है, तो इन तीनों से, बल्कि ये जो दो पहले वाले कॉलम बने हुए थे क्वेश्चन में, उससे हमारा मोर देन टाइप वाला काम हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर जो है मोर देन टाइप लेस देन टाइप सीखना है, इसलिए यहाँ पर दो टेबल्स और बनानी होगी। सबसे पहले टेबल हमें बनानी होगी नंबर ऑफ शॉप्स वाली, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब हम इनको जो है टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो किस टाइप से डिवाइड करना है मैं आपको बता रहा हूँ, 30 में से 28 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 28 में से अगले को यानी कि 16 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमें माइनस करना है, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर जो है 2 आ जाएगा, 4, 10 में से 7 3, 7 में से 3 जाएंगे यहाँ पर 4 बचेंगे, और 3 में से कुछ नहीं जाएगा तो 3 लास्ट का यहीं पर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली जो है हमें टेबल बनानी है CF वाली, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली, 2 हो जाएगा, 2 में 12 को प्लस करेंगे तो 2 में 12 को प्लस करेंगे 14 हो जाएगा, 14 + 2 = 16, 16 + 4 = 20, 20 + 3 = 23, 23 + 27 हो जाएगा 27 और 30, इसी टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करना है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, तो लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये वाले पहले कॉलम से मोर देन वाला कर्व बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो हमने बाद में कॉलम्स बनाए थे तो इससे और इस कॉलम से CF वाले कॉलम से लेस देन वाला कर्व बन जाएगा। किस टाइप से हमें कर्व बनाना है सबसे पहले मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बनानी है इस टाइप से, नीचे हमें यहाँ पर जो है इसका पहला कॉलम देना है यानी कि प्रॉफिट, और यहाँ पर ऊपर जो है हमें CF देना है यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर हम जो है 5-5 का गैप्स दे देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, इस टाइप से हम 5-5 का गैप्स दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 5-5 का गैप्स है। यहाँ भी हम जो है देखें तो 30 तक CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जा रही है, इसलिए हम 5-5 का गैप्स यहाँ भी दे देते हैं। इस टाइप से जो है हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ऊपर वाली जो है वाई एक्सिस हो जाएगी। हमेशा एक्स एक्सिस में हमें पहले वाला कॉलम रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको बना के बता रहा हूँ मोर देन टाइप वाला। अब हम मोर देन टाइप्स के बना रहे हैं तो हमें जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखना है मोर देन टाइप्स के, तो मोर देन में हमें मिलेगा 5, 30, सबसे पहले 5, 30 मिल जाएगा, फिर उसके बाद में मिलेगा 10, 28। तो ये मोर देन टाइप्स के हमने जो है यहाँ पर पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं। अब हम जो है यहाँ पर पॉइंट्स लगाना शुरू कर देंगे, ग्रीन पेन से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये मोर देन टाइप के लिए। तो 5, 30 अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 30 हमें यहाँ पर मिलेगा,
5.30 का ये पहला पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 10.28 तो 28 थोड़ा नीचे हो जाएगा और 10 यहाँ पर हो जाएगा तो ये दूसरा पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से हम 15.16 देखें तो 15 तो यहाँ आ जाएगा, 16 हम यहाँ 15 के थोड़ा ऊपर ले लेंगे तो 15.16 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 20.14 हो जाएगा तो 14 जो है 15 के थोड़ा नीचे और 20 यहाँ पर। 25.10, 30.7, 35.3, तो इस टाइप से हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें इन्हें जो है ज्वाइन कर देना है तो इस टाइप से जो है कर्व बन जाएगा। तो ये जो है हमने मोर देन वाला बना दिया, अब हम लेस देन वाला बनाएंगे। तो लेस देन वाले के लिए यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ मैं रेड पेन से, तो लेस देन वाले के पॉइंट हो जाएंगे। लेस देन वाले के पॉइंट लिखने के लिए आपको थोड़ा एक ध्यान देना होगा कि हमने यहाँ पर 5.30 लिया है, अब हम यहाँ पर जो है 10.30 लेंगे क्योंकि हम लेस देन ले रहे हैं, मतलब 10 से कम ले रहे हैं हम। तो 10 से कम वाले के लिए हम लेस देन वाला लेंगे तो ये 10.2 हो जाएगा। ये वाली फ्रिक्वेंसी हम लेंगे लास्ट कॉलम वाली जो कि रेड पेन से बनी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.2 पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 15.14 इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 20.16। लेस देन वाले पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए हैं, अब लेस देन वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पर ट्रेस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा 10.2, तो 10 और 2 यहाँ कहीं आने वाला है तो 10.2 ये हो जाएगा। उसके बाद में 15.14 हो जाएगा तो 15.14 यहाँ आएगा, 15.14 यहाँ आएगा सॉरी। फिर आ जाएगा 20.16, तो 20.16 यहाँ आने वाला है। उसके बाद आ जाएगा आपका 25.20, तो 25.20 यहाँ आएगा। फिर आ जाएगा 30.23, तो 23 यहाँ पर, यहाँ कहीं, और 30 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद में आ जाएगा 35.27 आ जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। फिर लास्ट में हो जाएगा 40.30, तो 40 और 30 यहाँ पर सबसे ऊपर, और 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा ये लेस देन टाइप बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे लेस देन टाइप वाले में तो ये कर्व ऊपर जा रहा है और मोर देन टाइप वाले में नीचे जा रहा है, तो जी हाँ, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को मेमोराइज कर लेंगे कि जब भी हम जो है लेस देन वाला कर्व बनाएंगे उसमें जो है नीचे से जो है ऊपर जाएगा हमारा कर्व, और मोर देन वाले कर्व में उसका उल्टा होगा, यानी कि नीचे होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब जो है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अलग से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितने भी बार आप लेक्चर देख लीजिए, मैथ्स का ये रूल है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ सिंपलर नहीं होगी। तो प्रैक्टिस आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक में से कर सकते हैं, जो भी परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से जो आप पढ़ते हैं उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में शेयर कर लीजिए। जल्दी जल्दी बच्चे जुड़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, सेटिस्फेक्शन की बात होगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल बहुत शेयर कीजिए और अपने सजेशंस जो है कमेंट में आप दे सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।